हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली के आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज सुबह हो गई, अब हैदर चले गए अपने काम पे और हम करने लगे घर का काम। हैदर ने नाश्ता किया और चले गए। अब हादी बैठ के भाई नाश्ता कर रहा है। हादी हाय, देखे जी हादी भाई बैठ के नाश्ता कर रहा है। अब्दुल्ला भाई मैच खेल रहा है, लबाई चला गया। मैंने कहा पहले मैं सारे घर के काम ख़त्म करती हूँ। आज इनकी ईद मिलन पार्टी है, इन्होंने जाना है ट्यूशन और इनके लिए मैंने खाना भी अभी तैयार करना है। रात को काफ़ी लेट आए थे, अम्मी को हॉस्पिटल एडमिट किया हुआ था तो रात को फिर मुझे टाइम लग गया, एक बज गया वहाँ पे। तो चले जी अब हम करते हैं घर का काम शुरू, फिर उनके साथ ही हम अब्दुल्ला हादी की पार्टी का खाना शुरू करते हैं। मैंने कहा मैं जल्दी से घर का काम शुरू कर दूँ, सारी चीज़ें समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद बोला आप लोगों ने अभी इस पारा पढ़ने भी जाना है। मैंने कहा सारी चीजें जल्दी से समेट। अब्दुल्ला को आवाज दो, पारे का टाइम हो गया। अच्छा मामा, और आप जल्दी से नाश्ता कर लो, आज पहला दिन है पाड़े का ईद के बाद। अब्दुल्ला मुझे वो भी ला दो चीजें, फिर मैं आपका अकेडमी का खाना तैयार कर दू। ईद मिलन पार्टी है, आप पाड़ा पढ़ लो फिर मैं चीजें ले आती हूँ जाके। हैं मैं उतनी देर चीजें समेट लू फिर मैं चीजें ले आती हूँ जाके। बाबा से मैंने सुबह बोला था मुझे सारी चीजें ला दो, कहते नहीं खुद ही जाके ले आना। बच्चे बस उठते बाई छुट्टियां है ना, इसलिए अब इनकी छुट्टियां भी बस खत्म होने वाली हो गई हैं। बच्चे आ गए, अब तेरा पाँव दुखने लग गया, मुझे काम खत्म करने दे, उठ जा। अब्दुल्ला आ गया ना, वो नाश्ता कर रहा है। ये देखिए अब्दुल्ला नाश्ता कर रहा है। नीचे बच्चे आ गए सारे पढ़ने के लिए, जल्दी कर, चल हाथी उठ जा, पारा पकड़, टोपी पहन के जाना। चलो अल्लाह हाफिज, पारे नीचे ही पड़े हुए हैं। अल्लाह हाफिज, मैं बैठी पीछा हूँ। अब्दुल्ला मुझे चीजें ला दे, या मैं खुद ही जाऊं? मैं ला देता हूं। चल पाड़ा पाड़ा पहले चावल में चिकन डालना है। हाँ जी। कर लिया मैं नीट एंड क्लियर, थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं हो गोश्त निकाला हुआ फ्रिज में से वो मैं साफ़ करती हूँ, और बच्चों के लिए मैंने आज ट्यूशन के लिए खाना तैयार करना वो करती हूँ। अब बाज़ार से जाके कुछ चीज़ें लाती हूँ। चले जी डस्टिंग भी कर ली, अब्दुल्ला हादी भी पारा पाड़ रहे हैं और मैं घर जाके चीज़ें भी ले आई हूँ। ये देखे जी बर्तन अब यहाँ से उठाने वाले हैं, चीज़ें भी लें। कल मैं बाज़ार से चीज़ें लेने जानी थी तो फिर अम्मी बीमार हो गई, उनके साथ हॉस्पिटल चले गई, फिर आज हैदर के साथ जाऊंगी। अभी थोड़ी थोड़ी ले आई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले आई हूँ। चले मैं इनको टोकरी में निकालती हूँ। ये गोश्त निकाल के रखा है शामियों के लिए, ये नरम होता है, फिर मैं इसको धोती हूँ और फिर शामियाँ तैयार करती हैं दाल वाली। अब मैं ऊपर आई हूँ, आज चटाई धोनी है। मैं के सारे काम पहले छोड़ के चटाई धोती हूँ,
ईद होके आई हूँ। अब मैंने टोकरी में चीज़ें निकाल ली हैं, जो जो ज़रूरत की अदरक 1200 रुपये किलो है, और थोड़ा सा फाल लेके आई, खुरमानी लेके आई। अब इसको डीप करती हूँ, फिर चाट भी तैयार करती हूँ बच्चों के लिए। चलें जी, अब मैं सारी चीज़ें समेटती हूँ, साथ ही कुकिंग का काम शुरू करती हूँ। पानियों को मैंने अच्छी तरह वॉश किया, अब मैं इसमें पानी डालने लगी। इसको थोड़ी देर डीप करती, फिर मैं इसको पकने के लिए रखती हूँ, चटनी तैयार करती हूँ। चलो जी, अब मैं ये चने की दाल है इसको डीप करती हूँ टिक्कियों के लिए। मैं इसको पहले साफ करती हूँ। कमरे में ही है, आपने उसको क्या कहना है? दाल साफ करके इसको अब डीप करती हूँ। ये देखिए जी, दाल मैंने अच्छी तरह वॉश करके अब डीप कर दी है। अब मैंने चावलों के लिए गोश्त निकाला है, अब मैं उसको रखती हूँ, चावलों की गोश्त को निकाल के इसकी यखनी तैयार करती हूँ, तो फिर चावल तैयार करती हूँ। जितनी देर सारी चीज़ें बर्फ उनकी ख़त्म होती होती है, मैंने कभी सफाई भी कर लूँ साथ में, इनका मैं ब्रश लगा लूँ पूरे घर में। फिर जोर की नमाज का टाइम हो जाना, फिर मैं नमाज पढ़ती हूँ। दादा नीचे हो गए, ये देखे मम्मा आप सफाई कर रही हैं। मानी बॉइल करने के लिए रख दी मैंने, अब दूसरी तरफ प्रेशर कुकर रख दिया। ये सारी खड़े मसाले हैं और ये लहसुन है, और दाल डीप की हुई। अब मैंने गोश्त भी वॉश कर लिया। चलिए जी, अब मैं बनाती हूँ शामियों का मैश। ये मैंने इसमें एक प्याज कटिंग किया, ये अदरक, और ये खड़े मसाले और लहसुन। अब मैं इसमें दाल डालती हूँ। मैंने इसमें चने की दाल एक पाव डाली है, तकरीबन एक किलो, डेढ़ किलो गोश्त में। ये मैं हल्दी, नमक मिर्च बस सभी डालूँगी। अब मैं इसमें एक जग पानी का डालती हूँ, बिस्मिल्लाह। और ये मैंने एक आलू कटिंग किया है वो डालती हूँ। चलें जी, अब मैं इसको वेट लगाती हूँ 15 मिनट का। मानिए पक गई, अब मैं इसमें चीनी डालती हूँ, बिस्मिल्लाह। ये मैंने 5 से 6 चम्मच बड़े चीनी के डाले। अब ये थोड़ा सा पकता, फिर मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे पक गए, अब मैंने इसको जग में डाला, अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। ये हमारी चटनी बन के रेडी होगी, बिस्मिल्लाह। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको फिर चूल्हे पे रखती हूँ। हमारी बन रेडी होगी, अब दो पास दाल बन रही है, फिर मैं इसका रखती हूँ चावलों के लिए गोश्त। होती थी मैं नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज का टाइम हो गया, तकरीबन 2:15 हो गए हैं। मैंने कहा मैं ज़ोर की नमाज़ पहले पढ़ लूँ,
फिर उसके बाद अब्दुल्ला हादी के खानों की तरफ होती हूँ। ये मेरी दाल गोश्त हो गया, मैं इसमें मसाले डालूँगी, काली मिर्ची, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर। इसमें अब मैं इसको पानी हल्का सा खुश्क होता है, फिर मैं इसको उतारती हूँ। ये चावलों के लिए यखनी रख रही, इसमें मैंने लहसुन डाला एक और ये मसाले थोड़े से डालूँगी। अब यखनी तैयार करते हैं। इसमें मैं एक चम्मच नमक भी डालती हूँ, एक चम्मच नमक। चलो जी, अब मैं इसको वेट लगा, मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया दाल और गोश्त को। अब मैं इसको चॉप करती हूँ। चले जी, फिर टिक्कियाँ तैयार करते हैं। इसमें अगर कोई हड्डी है वो निकाल लेते हैं। इसमें मैंने 5-6 हरी मिर्ची डाली। अब ये मैं इसका मैश तैयार करने लगी, पहले मैं हरी मिर्ची चॉप करती हूँ। हरी मिर्ची चॉप हो गया, मैश डालती इसमें। देख रहे, मैंने चावल रख लिए हैं साथ ही, प्याज भी चॉप कर लिया मैंने, दूध भी गर्म हो गया है, प्याज भी चॉप कर लिया मैंने। अब ऑयल डालती इसमें, मेरा प्याज ब्राउन हो गया, मैं इसमें मसाले डालूंगी, जिसमें मैं लहसुन डालूंगी जो चॉप किया है। मैं इसमें डालूंगी नमक और सूरख मिर्च, और ये है टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट। जी हमारा गोश्त बॉइल हो गया था, मैंने वो भी डाल दिया मसाला भून के। अब मैं ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया डालती हूँ। अब ये यखनी भी डालनी है, अभी मैंने चावलों में इसको अच्छी तरह ज़रा भून लेती हूँ, फिर मैं यखनी डालती हूँ। हमारा पुलाव रेडी हो रहा है, मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें यखनी डालती हूँ और पानी डालती हूँ, फिर जब 2-3 बॉइल आते फिर मैं इसमें चावल डालती हूँ। हमारी टिक्के भी बन के रेडी हो गई हैं माशाल्लाह, और हमारा पुलाव भी बन के रेडी हो गया माशाल्लाह, और दही की चटनी भी बन के रेडी हो गई है। तो अभी हमारी चाट फ्रूट चाट आती है, लेकिन पहले मैं अब्दुल्ला हादी को भेज दूँ। अब्दुल्ला हादी ने भी नाइयाँ कर ली है, अभी तैयार हो गए। चले अब मैं पैकिंग कर दूँ, चलो मैं पैकिंग। अब इनका तकरीबन 4:30 हो गया, ये जा रहे। चल हादी उठ जा, जल्दी उठ जा, जल्दी से खा लो और चलो मैं पैकिंग करने लगी। अब हम इनके लिए चावल पैक करते हैं, पास पास कर। बिस्मिल्लाह। चल अब मैं इनकी, ये देखिए जी, अब मैं टिक्की ऊपर रखती हूँ। अब्दुल्ला आ जाओ। चलें जी, ये इनके लिए इनका पार्टी का खाना तैयार हो गया। मैं रायता भी डाल दूँ इनको बोल में। जी इनका बॉक्स तैयार हो गया, ये दही का रायता भी। चलो अब्दुल्ला हादी, अब्दुल्ला हादी को अब छोड़ने आई एकेडमी। चलो ध्यान से, अब्दुल्ला हादी को छोड़ के आई हूँ। अब बर्तन उठाऊँ और असर की नमाज पढ़ूँ। इधर आ गई, अब मैंने खाना लगा दिया है। इधर को बहुत भूख लगी थी, आते कहते मुझे बड़ी भूख लगी, खाना लगा दो। आज अब्दुल्ला हादी की पार्टी के चावल, शामी और दही भल्ले, रायता। और अब्दुल्ला हादी के लिए मैंने अब चाट बनाई है, इनको चावल नहीं पसंद। चावल दूँ? नहीं। तो क्या खाना भी? चाट। मैं क्या ना प्याली लिया दोनों है। हाँ जी। चलो डालो चावल। मम्मा दही भल्ले भी, अब ना दही भल्ले ले लो, रोटी ना डाल के देना बच्चा। चलो ठीक है। चलो अब्दुल्ला डाल लो चाट। ये लो डाल लो, जितनी वो बड़ा चम्मच रख दो। ये ले, पूरा आना भाई है बर्तनी का। ये देखिए जी, मैंने अपनी प्लेट में सारा कुछ डाल लिया। अब हैदर डाल रहे हैं
खाना, अब्दुल्ला ने सिर्फ चाट खानी थी वो चाट खा रहा, भाजी ने इतने से चावल खाने थे वो खा रहा, अब्दुल्ला कहता मैं चाय पीनी है और मैं कहता मैंने भी चाय पीनी है, ये बार बार तोड़ के खाई है ऐसे। क्यों? हमें तो बड़ी मजा आता है। कितना बनेगा खाना? सिर हिला देंगे मुंह अच्छा। बोलिया करो खाना मैंने लगाया बर्तन इधर हाथी उठा रहे ये देखे जी। अब्दुल्ला साहब बस हमारे साहब है लेट जाते हैं। बड़ा भी निकाल ली थी मैंने वो भी भर के रख रहे कोले भी, दोनों बाप बेटे काम कर रहे अब माँ बेटे बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला चाय पीनी है? नकम्मे किधर चले? चलो चले। किधर? नानो घर। नानो घर जाना? नानो घर है क्या लेने जाना? हम लोग पता पता की चीज का पता, तबीयत का पता। टेबल साफ कर रहा है, वाओ बहुत मेहनती बच्चे हैं मेरे। शाबाश, अपने काम खुद करने चाहिए। चार ले आओ 40 वाली, वो देखो हम अब्दुल्ला हादी की नानों के घर से वापस आ गए। रास्ते में बारात भी देखी, कुल्फियां भी खाई। खाई बाग खाई? जरा बता बता जाके बाहर खाई। चल रब हैदर ने हमें चाय बना के दी। हैदर सर पीछे करना, हमारी चाय देखने दो। कोफू मारी आ गई है लड़ाको, ये मैं बोल लड़ाको है। तो तकरीबन 12:15 हो गए रात के, तो अब हमें दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।